सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों कौशिका यूट्यूब चैनल को और इस बेल घंटी को दबाइए सबसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में फोन पे केवाईसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था केवाईसी के बारे में, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था भाई मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है आधार कार्ड के साथ, तो ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में आपको दूंगा, आप शुरू से लेकर लास्ट ऑफ इस वीडियो को देखिए दोस्तों केवाईसी अगर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो रहा है तो बहुत तरीका है दोस्तों, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको करना क्या हुआ दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। आप फोनपे खोलने के बाद माई अकाउंट में जाइए, जाने के बाद दोस्तों जो प्रोफाइल है आपका प्रोफाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं प्लीज़ कंप्लीट योर केवाईसी, जो वेरीफाई ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कीजिए, वेरीफाई ऑप्शन को ओके कीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों वेरीफाई विथ आधार, दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत लोगों का हो रहा है, आप वेरीफाई विथ आधार कर रहे हो तो लेकिन कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लैंक पेज होके रहता है, किसी का पेज ओपन होता है लेकिन वेरीफाई करने के बाद आधार कार्ड देने के बाद ओटीपी नहीं आता है, वहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर दिखा रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है यूज़ अनदर जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों नीचे अब उस पे कुछ यूज अनदर डॉक्यूमेंट्स को ओपन कीजिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत ऑप्शन है आपको वेरीफाई करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्टेट गवर्नमेंट आईडी है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी है। चलिए मैं आपको वोटर आईडी कार्ड दे के करके दिखाता हूँ। वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वोटर आईडी नंबर देना होगा, आपका जो वोटर कार्ड का आईडी जो नंबर रहता है वो नंबर आपको देना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अगर आपके पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी कर सकते हो, अगर पैन कार्ड भी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हो, पासपोर्ट है पासपोर्ट से भी कर सकते हो। चलिए वोटर कार्ड का नंबर मैं दे दिया हूँ, चलिए नीचे जो ऑप्शन है नाम का वोटर नाम देना होगा, जो मेरा वोट का कार्ड में जो नाम है दोस्तों उस नाम को देना होगा। अगर आपको आपका कोई प्रॉब्लम होता है दिक्कत होता है मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देने के बाद दोस्तों आप वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, वेरीफाई कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा वोटर आईडी कार्ड से, डन में ओके कीजिए। हमारा सक्सेसफुल हो गया दोस्तों वोट का आईडी कार्ड से, अगर आपको नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स आप देख सकते हो, मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी एक वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मोर अपडेट।